नमस्कार द नगरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रियंका माथुर। अर्जुन कपूर और मूवी पेडनेकर की मच अवेटेड फिल्म द लेडी किलर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इसका ट्रेलर देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। थ्रिलिंग और सस्पेंस कहानी वाली इस फिल्म में रोमांस का भी भरपूर तड़का लगा दिया गया है। ट्रेलर देखकर फैंस इसे अर्जुन कपूर के करियर का टर्निंग पॉइंट बता रहे हैं। ट्रेलर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफी खून खराबा, गाली गलौज और इंटीमेट सीन्स हैं। अगर स्टोरी की बात करें तो अजय बहल के डायरेक्शन में बनी द लेडी किलर की कहानी एक प्लेबॉय के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक ऐसी लड़की को पसंद करने लगता है जिसकी जिंदगी किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। वो लड़की काफी खतरनाक भी है। इतना ही नहीं, वो प्लेबॉय पहले से कमिटेड भी है और उसकी लाइफ में जो भी है वो छोटे शहर से ताल्लुक रखती है। प्लेबॉय अर्जुन कपूर की मुलाकात भूमि से उत्तराखंड के शहर में होती है। दोनों काफी करीब आते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि वो एक महाराज से अवैध संबंध में है। इस बीच एक मर्डर होता है, जो किसने किया है ये एक मिस्ट्री है। मैंने कहा था ना, मजाक मत बनने देना, ये पंच लाइन दी है भूमि पेडनेकर ने। उन्होंने अपनी एक्टिंग से सबको दीवाना बना दिया है। ट्रेलर को काफी पसंद किया जा रहा है। ट्रेलर रिलीज होते ही कुछ ही देर में इसके लाखों व्यू आ चुके हैं। यूजर्स की माने तो ये फिल्म अर्जुन कपूर के करियर में टर्निंग पॉइंट साबित होगी। अर्जुन की पिछली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई है, ऐसे में फिल्म से उनकी उम्मीदें बढ़ना वाजिब है। वहीं भूमि की भी आखिरी रिलीज फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग को भी बड़े पर्दे पर दर्शक पसंद नहीं किए थे। हालांकि बीच में खबर आई थी कि फिल्म की 80% शूटिंग होने के बावजूद ये ठंडे बस्ते में चली गई है, लेकिन ट्रेलर जारी कर मेकर्स ने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। ऐसे में प्यार, अवैध संबंधों और मर्डर मिस्ट्री की इस कहानी पर फैंस को काफी भरोसा है। फिल्म की कहानी को खुद अजय बहल ने पवन सोनी और मयंक तिवारी के साथ मिलकर लिखा है। फिल्म में अर्जुन भूमि के साथ मनीष शर्मा यानी बैक गैंड डांसर, मृत्युंजय पांडे, प्रियंका बॉस, SM जहीर भी शामिल है। फिल्म 3 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।